हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टडी। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग क्लास टेंथ चैप्टर सेकेंड, नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेस एंड साल्ट, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो गाइज, जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग आज क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट से मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चन को नोट्स में अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लें। मैं उनको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ के। तो बच्चे, आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिए, ठीक है? तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है, यू आर प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू आर प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब्स। यदि आपके द्वारा थ्री, जैसे कह रहा है यू आर प्रोवाइडेड, ठीक है, यदि आपको थ्री टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए थ्री टेस्ट ट्यूब को। आगे कह रहा है कि वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, जिनमें से एक टेस्ट ट्यूब कंटेन करेगा डिस्टिल वाटर, एंड अदर टू कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन। और मतलब आपके पास थ्री टेस्ट ट्यूब है बच्चों, इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में आपको डिस्टिल वाटर फिलअप करना है, और दो टेस्ट ट्यूब ऐसे हैं जिसमें आपको एसिडिक सोल्यूशन फिलअप करना है, ये एसिडिक सोल्यूशन फिलअप करना है। आगे कह रहा है कि इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यदि आपको केवल रेड लिटमस पेपर आपके पास हो, तो आगे कह रहा है बच्चों, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो कैसे आप प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बच्चों, आंसर देखिए क्या दिया है, आंसर दिया है, डिप द गिवन रेड लिटमस पेपर इन ईच ऑफ थ्री टेस्ट ट्यूब। डिप का मतलब डुबो कर, डिप द गिवन रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे, रेड लिटमस पेपर को हम डुबोएंगे, कहाँ डुबोएंगे, इन ईच ऑफ थ्री टेस्ट ट्यूब। हमारे पास बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, थ्री टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल वाटर है और दो में एसिडिक सोल्यूशन है। तो कह रहा है कि अगर हमको तीनों सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास केवल रेड लिटमस पेपर है, तो हम रेड लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन फिलअप है उसमें हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, डुबोएंगे। तो रेड लिटमस पेपर को जब डुबो के निकालेंगे, तो आगे देखिएगा, आगे कह रहा है द ट्यूब इन विच द रेड लिटमस टर्न ब्लू कंटेन बेसिक सोल्यूशन। तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है, तीनों सोल्यूशन में डुबोएंगे, डुबोने के बाद देखते हैं कि जो लिटमस पेपर है, यदि उसका कलर ब्लू हो जाता है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। तो जिस जिस टेस्ट ट्यूब में डुबोने के बाद कलर सोल्यूशन का ब्लू होगा, तो सोल्यूशन आपका बेसिक कहलाएगा। और आगे कह रहा है कि डिप दिस ब्लू लिटमस पेपर नाउ इन रिमेनिंग टू टेस्ट ट्यूब्स, कह रहा है डिप करिए इसी ब्लू लिटमस पेपर को नाउ इन रिमेनिंग टू टेस्ट ट्यूब, बचे हुए दो टेस्ट ट्यूब में। द ट्यूब इन विच ब्लू लिटमस अगेन चेंजेस बैक इन टू रेड कंटेन एसिडिक सोल्यूशन। बहुत बढ़िया, समझिएगा बच्चों, कह रहा है कि यदि आपके पास थ्री सोल्यूशन हो, जिसमें एक डिस्टिल वाटर है और दो में फिलअप है एसिडिक सोल्यूशन, कह रहा है कोई रेड लिटमस पेपर को आप तीनों में डिप करेंगे, तो जिसका कलर ब्लू हो जाएगा तो वो आपका बेसिक मीडियम में है, ठीक है, और जिसका कलर रेड ही बना रह जाएगा तो आपका एसिडिक मीडियम कहलाएगा, ठीक है। और यदि आपके पेपर पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो पेपर आपका, समझ लीजिएगा, सोल्यूशन न्यूट्रल है। तो आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि एक बार कहता है कि रेड लिटमस सोल्यूशन को आप सोल्यूशन में एक में डुबो, यदि उसका कलर ब्लू हो जाएगा तो बेसिक होगा। बाद में वही ब्लू, कह रहा है डिप दिस ब्लू लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर ब्लू हुआ है, यही लिटमस पेपर, ठीक है, को अब आप जो बचे हुए दो टेस्ट ट्यूब हैं उसमें आप डुबोइए। कह रहा है डुबोने के बाद यदि
द ट्यूब इन विच ब्लू लिटमस अगेन चेंज, यदि वही ब्लू लिटमस पेपर दोबारा अगर आप किसी में और सोल्यूशन में डालते हैं, डालने पे वही आपका ब्लू लिटमस पेपर जो है चेंज हो जाता है फिर से रेड लिटमस सोल्यूशन में, ठीक है। तो समझ लीजिए द ट्यूब इन विच नाइदर रेड लिटमस टर्न ब्लू नॉर ब्लू लिटमस टर्न रेड कंटेन डिस्टिल वाटर, कह रहा है कि द ट्यूब इन विच नाइदर रेड, यदि ट्यूब में मान लीजिए जो T3 आपके पास ट्यूब है, किसी लिटमस पेपर को ट्यूब में डाल लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ट्यूब में डालने पर, टेस्ट ट्यूब का मतलब थ्री टेस्ट ट्यूब में, तीनों टेस्ट ट्यूब में यदि आप रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं, डिप करने के बाद बच्चों यदि कह रहा है कि नाइदर रेड लिटमस टर्न ब्लू, ना तो रेड लिटमस टर्न करता है ब्लू में, ना तो ब्लू लिटमस टर्न करता है रेड में, तो जान लीजिए सोल्यूशन हमारा डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर का मतलब ना तो एसिडिक शो करेगा ना तो बेसिक, ठीक है। चलिए पहला आंसर समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कॉपर वेसल्स मीन्स कॉपर का बर्तन, ठीक है। तो देखिएगा व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस, क्यों कर्ड मीन्स आपको मालूम है दही, क्यों कह रहा है क्यों दही और खट्टे पदार्थ, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ होता है, कह रहा है बच्चों क्यों दही और दही मीन्स कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस का मतलब खट्टे पदार्थ खट्टे सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, नॉट बी केप्ट इन ब्रास, इनको सुरक्षित रखने के लिए इन्हें ब्रास या कॉपर के वेसल्स में नहीं रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कह रहा है कि क्यों दही और खट्टे पदार्थ ये ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखे जाते हैं, इसका आप नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्यों दही और खट्टे सब्सटेंस सॉर सब्सटेंस को ब्रास एंड ब्रास मीन्स पीतल, बच्चों ब्रास मीन्स क्या होता है पीतल का बर्तन, और कॉपर मीन्स कॉपर का बर्तन, तो क्यों पीतल के बर्तन और कॉपर के बर्तन में खट्टे और खट्टे सब पदार्थ और दही को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए देख लिया जाए, आंसर दिया है कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर, कर्ड और सॉर सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के होते हैं, हेंस इफ एसिडिक सब्सटेंस लाइक कर्ड और अदर सॉर सब्सटेंसेस आर केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल्स दे रिएक्ट टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड एंड मेक द फूड स्टफ अनफिट फॉर कंजम्पशन, देयरफॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू केप्ट देम इन दीज कंटेनर्स। बच्चों कह रहा है कि जो कर्ड है, कर्ड मीन्स दही, सॉर सब्सटेंस मीन्स खट्टे पदार्थ, तो बच्चों कह रहा है कि दही और खट्टे पदार्थ को ब्रास मीन्स पीतल के बर्तन और कापल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस ये इन दोनों का नेचर एसिडिक होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दही और खट्टे पदार्थ का नेचर जो है वो एसिडिक नेचर में होते हैं, इसीलिए इफ एसिडिक सब्सटेंस, यदि इस प्रकार के एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि दही हो गया या कोई भी खट्टा पदार्थ हुआ, ठीक है, इनको केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल्स के सुरक्षित रखने के लिए कॉपर और ब्रास वेसल्स में दे रिएक्ट टू फॉर्म, कह रहा है कि इनको कॉपर एंड ब्रास वेसल्स में अगर रखा जाएगा तो ये कॉपर एंड ब्रास वेसल्स से रिएक्ट करके टॉक्सिक कंपाउंड बना देंगे। टॉक्सिक का मतलब होता है बच्चों बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड बनाएंगे, एंड मेक फूड स्टफ, और वो खाने योग्य नहीं रह जाएगा वो मटेरियल फॉर कंजम्पशन। आगे कह रहा है देयरफॉर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को ऐसे कंटेनर में रखना बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल बनाएंगे, क्योंकि कर्ड एंड जो सॉर सब्सटेंस होते हैं खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है,
इनको इनका नेचर पहले से ही एसिडिक होता है, और जब इनको हम किसी भी ब्रास या कॉपर वेसल्स में रखते हैं तो ठीक है, तो जो कंपाउंड बनाएंगे वो बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड बनाएंगे जो खाने के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ओके बच्चों, इसीलिए ऐसे सब्सटेंस में इनको नहीं रखा जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड पे दिया है विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विच गैस इज यूजली लिबरेटेड, कौन सी गैस लिबरेट होती है जब किसी एसिड का रिएक्ट किसी मेटल के साथ कराया जाए। कह रहा है बच्चों कि जब किसी एसिड का रिएक्ट किसी मेटल के साथ कराया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। कह रहा है उसका एक एग्जांपल भी दीजिए, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ओके, तो इस गैस मतलब कहने का सेंस ये है बच्चों, पहले तो आपको सबसे सिंपल एक मैंने आपको पढ़ाया भी है, क्या पढ़ाया अच्छे सुनिएगा, जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराओगे तो साल्ट बनेगा। अच्छे सुन लो बच्चों, पहले आंसर सुन लो, किसी भी एसिड, एसिड ही नहीं बेस भी कह सकते हो, कोई एसिड हो या कोई बेस हो, अच्छे सुनेंगे बच्चे, चाहे कोई एसिड हो या कोई बेस हो, इनका रिएक्शन जब हम किसी भी मेटल के साथ कराएंगे तो सबसे पहले साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, भूलना नहीं है आपको। बच्चों सुन लो अच्छे से, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी एसिड या किसी बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल के साथ, एसिड या बेस कोई भी हो, इसका रिएक्शन जब हम किसी मेटल के साथ कराएंगे तो सबसे पहले साल्ट बनेगा और इसके बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो भैया साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल सहित। आंसर लिख लीजिए पहले, व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड यूजुअली फॉर्म साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ओके, तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस, और साल्ट बनेगा, ठीक है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो गैस कौन निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। आगे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जिंक, जिंक एक मेटल है बेटा, हमने एक मेटल लिया और इस मेटल का रिएक्शन हमने किसी डाइल्यूट एसिड के साथ करा दिया, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा किसी एसिड का रिएक्शन कर दो किसी मेटल के साथ, तो हमने भी कोई मेटल ले लिया, उसका रिएक्शन हमने किसी एसिड के साथ करा दिया, ठीक है। तो व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो चलिए देख लीजिए, जिंक मेटल है, रिएक्शन कराइए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है कंपैरिजन देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, जिंक, इसलिए जिंक जो है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के प्लेस से क्या कर देगा, जिंक मेटल हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ स्वयं जाके बैठ जाएगा और बना देगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये ऊपर का जो एरो लगा होता है, ये एरो कहीं पर देखो बेटा, अगर ऐसे एरो लगा है तो ये एरो इंडिकेट करता है कि कोई गैस लिबरेट हो रही है, जैसे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ एरो बना है ना, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे दिया है द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल नियर द गैस, ठीक है, कह रहा है कि यदि आपको चेक करना हो तो जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके ऊपर आप कैंडल लेके जाएंगे तो वहाँ पॉप साउंड की आवाज़ आएगी, पिट 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 की आवाज़ आएगी, पिट पिट, तो वहीं उसी को कहते हैं पॉप साउंड। ओके, आगे कह रहा है बच्चों द गैस बर्न विद, आगे दिया भी है देखो पॉप, यहाँ दिया है पॉप साउंड, तो गैस जो बर्न करती है हाइड्रोजन गैस कैंडल के ऊपर, कैंडल जहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है उसके ऊपर जलता हुआ कैंडल ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस कैंडल में जो फायर है उससे टकरा कर पिट पिट की आवाज़ आएगी, उसी को कहते हैं पॉप साउंड। ओके बच्चों, तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर दिया है मेटल ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक मेटल ए है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इफरवेस्केंस, इफरवेस्केंस का मतलब जब रिएक्ट करती है बहुत तेज़ी के साथ बुदबुदाहट होती है,
बुदबुदाहट, ऐसे बहुत तेजी के साथ बुदबुदाहट होगी, उसी बुदबुदाहट को कहते हैं इफरवेस्केंस। क्या कहते हैं? इफरवेस्केंस। आगे है द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। गैस जो निकल रही है उसको हम जलता हुआ कैंडल ले जाके चेक करते हैं। आगे कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप दिखाइए फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, और एक कंपाउंड इसमें फॉर्म होगा जिसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड किस में रिएक्ट होगा, जैसे ऐसे कह रहा हो कौन से मेटल लिया जाए कि कैल्शियम क्लोराइड, तो भाई कैल्शियम का बना हुआ कंपाउंड लिया जाए तभी कैल्शियम मेटल आप टेकअप करेंगे। तो आंसर पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे द कंपाउंड ए। अच्छा, शुरू में ही कह रहा है कि मेटल किसी कंपाउंड ए में है, मतलब एक कोई कंपाउंड है जिसका नाम कंपाउंड ए है, उसमें कोई मेटल प्रेजेंट है। कह रहा उसका रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है, और बताइए कौन सी गैस निकलती है। तो इसका मतलब समझ लीजिए बच्चों कि एक कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, जिसमें भाई बन क्या रहा, कैल्शियम क्लोराइड बता रहा है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा, इसका मतलब मेटल जो कंपाउंड होगा उसमें मेटल कैल्शियम होगा, उससे बना हुआ कंपाउंड होगा। तो कैल्शियम से बना कंपाउंड हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, हमने क्या ले लिया, कैल्शियम से बना कंपाउंड हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसका रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए हमने 2 मोल ले लिया। तो कैल्शियम देखिएगा, एक कैल्शियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ क्यों 2HCl लिया गया ये समझाना चाह रहा हूँ। एक कैल्शियम के ऊपर बेटा कितना का चार्ज, 2+ का चार्ज होता है, कैसे होता देख लीजिएगा। कैल्शियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 20, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होगा, ठीक है, और तीसरे में भी क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैल्शियम का है बच्चों 20, तो हो जाएगा 2 8 8 2, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इसका मतलब कि कैल्शियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 की डेफिशिएंसी होती है। तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए सीएल, कितने सीएल की नीड पड़ेगी भाई, 1 सीएल पे बेटा 1- का चार्ज होता है, तो यदि 2 सीएल लिया जाएगा तभी 2- को बैलेंस कर पाएगा, इसलिए 2 सीएल। अब देखते हैं हम लोग अगर 1 HCl लेते तो 1 ही CL होता, इसलिए हमें 2 CL की नीड है, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 HCl ले लिया। अब यहाँ पे 2H भी है और 2 CL भी है, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में है, इसलिए 2 HCl लिया गया, और मीडियम एक्वस है, इसका मीडियम सॉलिड है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि कैल्शियम ज़्यादा पावरफुल है इसलिए हाइड्रोजन को हटाएगा, तो कैल्शियम वहाँ जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा और बना देगा कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बना देगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आंसर भी देख लिया जाए। दिया है द कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट, कह रहा कंपाउंड ए कैल्शियम कार्बोनेट ही होना चाहिए, बिकॉज कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच एक्सटिंग्विशेस फायर। विच एक्सटिंग्विशेस फायर का मतलब ये हुआ बच्चों, कि एक्सटिंग्विशेस फायर का मतलब आग बुझाने वाली गैस, ठीक है, उसको कहते हैं आग बुझाने वाली गैस को कहते हैं कि उसका नाम होता है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब आग बुझाने वाली गैस, तो इसीलिए यहाँ लिखा है एक्सटिंग्विशेस गैस का मतलब आग बुझाने वाली गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड CO2 होता है उसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, ओके। तो यहाँ देखते रहिएगा, तो वहीं ये बता रहा है कि द कंपाउंड ए, कंपाउंड ए को होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, और क्यों, क्योंकि कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, कौन गैस बनाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे दिया है क्या, विच एक्सटिंग्विशेस फायर, जिसका यूज आग बुझाने वाली गैस के रूप में किया जाता है, एंड आल्सो कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी कैल्शियम क्लोराइड, और कंपाउंड कौन बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, एंड वाटर भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन H2HCl के साथ कराया गया, बना कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 गैस, देखो एरो ऊपर साइड में बना है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ गैस CO2 क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है।
तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, व्हाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा। HCl का नाम है बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 का नाम है बच्चों हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या नाम है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो नाम एक बार फिर से सुनेंगे, HCl का नाम है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 का नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो इसका एक नाम और होता है, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो अच्छे से जान लो, HNO3 का एक नाम नाइट्रिक एसिड भी है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, कह रहा व्हाई डू HCl कामा HNO3 एटसेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशंस ऑफ द कंपाउंड्स लाइक C2H5OH एंड ग्लूकोज डू नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। बेटा कह रहा है कि क्यों HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में भी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक, जैसे कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं C2H5OH है, ग्लूकोज है, ये एसिडिक कैरेक्टर इतना एंड ग्लूकोज डू नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। कह रहा है कि ग्लूकोज और एथेनॉल ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? कह रहा है क्वेश्चन कि बेटा HCl और HNO3 एक्वस मीडियम में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जो कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जैसे कि C2H5 जिसका नाम है एथेनॉल और दूसरा है ग्लूकोज, ये भी ऐसे ही कंपाउंड दिखते हैं लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, ऐसा क्यों है? तो आंसर इसका देख लीजिएगा, आंसर क्या है? आंसर है HCl, HNO3 एटसेट्रा आर इलेक्ट्रोलाइट्स। कह रहा है बच्चों कि HCl और HNO3 एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट मीडियम को जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड हेंस आयोनाइज, और आयोनाइज होते हैं, आयन के फॉर्म में ब्रेक होते हैं। तो कहने का सेंस ये हुआ बच्चों, कह रहा है HCl और HNO3 ये डाइल्यूट मीडियम में, एक्वस मीडियम में, ठीक है, अपने अंदर से आयन को रिमूव करते हैं। ठीक है, और आयन जो रिमूव करेंगे वो H+ या OH- के रूप में रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए कह रहा है कि एक्चुअली ऐसा है कि जो एसिड होते हैं बच्चों, जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा करके मोस्टली H+ आयन को रिलीज़ करते हैं, मोस्टली क्या 100% H+ आयन को रिलीज़ करते हैं। जिनका मीडियम एसिडिक होता है वो H+ आयन को, H+ आयन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जैसे कोई एसिड है, यदि उसको आप कि उसका मीडियम एक्वस करोगे, उसमें जैसे एक्वस कैसे करोगे, HCl हो या HNO3 हो, दोनों एसिडिक मीडियम में हैं। अब कह रहा है कि इनको एक्वस कैसे करोगे, इसी में वाटर मिला दो तो इनका मीडियम डाइल्यूट हो जाएगा, एक्वस मीडियम हो जाएगा, और उस कंडीशन में H+ आयन को ज़्यादा मात्रा में रिमूव करते हैं। कौन? जो एसिड होते हैं। किस में करते हैं? सोल्यूशन में करते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस हुआ कि ऐसे कंपाउंड को वाटर में मिलाने पर H+ आयन ज़्यादा रिमूव करते हैं। ठीक है, इसलिए एसिडिक कंडीशन शो करते हैं। अब वहीं ये कह रहा है कि HCl एंड HNO3 को जब हम एक्वस मीडियम में करेंगे तो उनका मीडियम इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा और वो आयोनाइज का मतलब आयन को रिमूव करते हैं अपने अंदर से, और आयन को किसके फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन के रूप में। आगे हेंस दे सो एसिडिक कैरेक्टर, और इसलिए कैसा कैरेक्टर शो करते हैं? एसिडिक, क्योंकि अपने अंदर से क्या रिमूव ज़्यादा करते हैं? H+ आयन को, प्रोटॉन, H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। ओके, आगे कह रहा है लाइक कंपाउंड लाइक एथेनॉल एंड ग्लूकोज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे एथेनॉल हैं, ग्लूकोज हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट मीडियम नहीं शो करते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होते हैं, एंड हैंस डू नॉट आयोनाइज, इसीलिए ये आयोनाइज नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और H+ आयन उस समय नहीं देते हैं। बात समझिएगा अच्छे से। कह रहा है बेटा कि कंपाउंड लाइक एथेनॉल हुआ या ग्लूकोज हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइट मीडियम नहीं शो करते हैं, इसीलिए ये आयोनाइज एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होते हैं और H+ आयन को नहीं शो करते हैं ज़्यादा। ठीक है, दैट इज़ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन देम, जो कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है फिर भी ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, और इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है कि व्हाई, क्यों, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, क्यों किसी एसिडिक का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट करता है, कह रहा है क्यों कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन का जो एक्वस मीडियम है, क्यों किसी भी एसिड का जो एक्वस मीडियम होता है उसमें करंट फ्लो कर जाता है, ऐसा क्यों है। तो आंसर क्या है बेटा, देखिएगा आंसर है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, ठीक है, आयोनाइजेबल टू प्रोड्यूस एच प्लस आयन, जे क्योंकि यहाँ पे बता रहा है बेटा, क्योंकि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, सॉरी कह रहा है बेटा कोई भी एसिड हो उस एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जब कोई एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में होता है तब वो ज़्यादा मात्रा में एच प्लस आयन को रिमूव करता है और उस सॉल्यूशन का मीडियम इलेक्ट्रोलाइट मीडियम बना देता है। कैसा बना देता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम बना देता है, ठीक है। तो कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन का जो मीडियम एक्वस होता है अपने एक्वस मीडियम में एच प्लस आयन को ज़्यादा रिमूव करता है और उस कंडीशन में मीडियम उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इसीलिए उसमें करंट, उसमें आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूशन में आयन हो जाएंगे तो करंट अपने आप से बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, क्योंकि करंट वहीं फ्लो करता है जहाँ पर कोई भी कंपोनेंट आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, चाहे एसिड हो, जब एसिड अपने आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है, एक्वस मीडियम में होगा तब उसमें करंट फ्लो करेगा, ऐसे बेस भी जब अपने आयनिक फॉर्म में होगा, एक्वस मीडियम में होगा तो बेस में भी करंट फ्लो करेगा। तो बेटा ये बात है, आगे कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आयोनाइज, जब कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होता है तो मीडियम इलेक्ट्रोलाइट होता है और प्रोड्यूस करता है एच प्लस आयन को, ठीक है, एंड द एनायन, सपोज करिए कंपाउंड में जो एनायन का पार्ट है ए माइनस इन सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल, चलिए ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यस सी एल ए क्या है हमारे पास, एसिड है, जब इसका मीडियम हम क्या करते हैं बच्चों, एक्वस मीडियम में करते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक एसिड यस सी एल है, इसका मीडियम हमने क्या कर दिया, एक्वस किया, तो ये दो फॉर्म में ब्रेक हो गया, एच प्लस एंड सी एल माइनस के फॉर्म में, तो यही आयनिक फॉर्म में ब्रेकिंग कहलाता है और इस फॉर्म में जब ब्रेक होगा तो ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन रिमूव होगा और इस कंडीशन में सॉल्यूशन का मीडियम पूरा आयोनाइजेबल हो जाएगा और इस कंडीशन में उसमें करंट बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, क्योंकि करंट वहीं फ्लो करता है जहाँ पर किसी सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट हो और जहाँ पर आयन नहीं होंगे वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखो नीचे दिया है बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स इन द सॉल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। आगे कह रहा है बच्चों, आगे क्या कह रहा है देख लिया जाए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा इरेज हुआ है लेकिन नहीं है, दिखाई दे रहा है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर पे देखिएगा क्वेश्चन, मैं बीच में तो कुछ क्वेश्चन काट के, तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है उन्हीं को दिया हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स हैव ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कह रहा है बच्चों व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन हैव ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कह रहा है कि क्यों, व्हाट मीन्स क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इफेक्ट होता है, डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है, किसी एसिडिक सॉल्यूशन का नेचर जो एच प्लस आयन को शो करता है इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन हैव ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आंसर इसका है बच्चों, पीएच डिक्रीज एज एच प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, किसी सॉल्यूशन का पीएच, कह रहा है कि पीएच डिक्रीजेज, यहाँ समझने की बात क्या है बेटा, कह रहा है किसी सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है, पीएच यदि डिक्रीज करता है, पीएच डिक्रीज एज एच प्लस आयन, पीएच डिक्रीज करता है लेकिन किसके फॉर्म में, एच प्लस आयन के फॉर्म में, जब हमारा पीएच डिक्रीज करेगा एच प्लस आयन के फॉर्म में इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर लूज हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर ख़त्म हो रही है क्योंकि एच प्लस आयन ख़त्म हो रहा है, तो किसी सॉल्यूशन का पीएच में यदि एच प्लस आयन डिक्रीज करेगा, ठीक है,
तो कहने का सेंस ये हुआ, एच प्लस आयन डिक्रीज करेगा तो उस सोल्यूशन की एसिडिक करेक्टर लूज होती जाती है। तो आगे देखिए, पीएच डिक्रीज एज एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज, हेंस हायर द कंसेंट्रेशन एच प्लस आयन इन द सोल्यूशन, मोर एसिड इन द सोल्यूशन। सीधे सी बात बच्चों क्या है इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि किसी सोल्यूशन में एच प्लस आयन अगर बढ़ेगा तो सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, यदि एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा तो सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो किसी सोल्यूशन में जितना ज़्यादा मात्रा में एच प्लस आयन होगा वह सोल्यूशन उतना ज़्यादा कंसेंट्रेट होगा और उतना ज़्यादा करंट कंडक्ट करेगा और उतना ज़्यादा मीडियम उसका एसिडिक होगा। ठीक है, हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, किसी सोल्यूशन में जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन एच प्लस आयन का होगा वह सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा और जितना कम एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन जितना ज़्यादा डिक्रीज करेगा वह सोल्यूशन उतना ही वीक एसिड कहलाएगा। सोल्यूशन एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो सोल्यूशन हायर कंसेंट्रेशन एसिड से वीक कंसेंट्रेशन एसिड की तरफ भगेगा, वीक एसिड की तरफ भगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन 13 है, डू बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव एच प्लस आयन्स, इफ़ एस देन व्हाई आर दीज बेसिक। कह रहा है बच्चों, डू बेसिक सोल्यूशंस हैव आल्सो हैव एच प्लस आयन्स, कह रहा है कि जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनके अंदर में भी एच प्लस आयन क्या, हाँ कह रहा है बेटा सोल्यूशन के क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं वह भी एच प्लस आयन को रखते हैं, यदि इफ़ एस यदि रखते हैं वेन हाँ देन व्हाई आर दीज बेसिक, तो कैसे बेसिक नेचर में होते हैं। फिर से क्वेश्चन समझिए बच्चों, कह रहा है कि क्या जो सोल्यूशन एसिडिक मीडियम में होते हैं, सॉरी कह रहा है क्वेश्चन बच्चों कि जो क्या, हाँ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 30 नंबर पे, क्या बेसिक सोल्यूशन भी एच प्लस आयन को रखते हैं, यदि बेसिक सोल्यूशन भी एच प्लस आयन को रखते हैं, इफ यस यदि रखते हैं देन व्हाई आर बेसिक, तो क्यों वह बेसिक नेचर में नहीं होते हैं। ठीक है, देन व्हाई आर बेसिक, तो वह क्यों बेसिक नहीं होते हैं, बात समझिए। कह रहा है बच्चों कि क्या जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं वह एच प्लस आयन को रखते हैं, यदि एस इफ एस यदि वो रखते हैं देन व्हाई आर दीज बेसिक, तो वह क्यों बेसिक नहीं होते हैं जो एच प्लस आयन को रखते हैं। तो चलिए क्यों बेसिक नहीं होते हैं इसी का आंसर बताना है। आंसर है बेसिक सोल्यूशंस आल्सो हैव एच प्लस आयन, जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो एच प्लस आयन को रखते हैं, इन एडिशन ऑफ ओ एच माइनस आयन, ओ एच माइनस के एडिशन के समय में जब ओ एच माइनस का एडिशन करते हैं तो एच प्लस आयन भी ऐड होता है। ठीक है, आगे दे आर बेसिक, लेकिन वह बेसिक होते हैं बिकॉज, क्यों, क्योंकि इन दीज सोल्यूशंस ओ एच माइनस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन में ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ओ एच माइनस की संख्या ज़्यादा होती है और एच प्लस की संख्या कम होती है। किसी सोल्यूशन में बच्चों यदि एच प्लस की संख्या ज़्यादा है तो मीडियम एसिडिक है, यदि उसी यदि कोई भी सोल्यूशन हो उसमें ओ एच माइनस की संख्या ज़्यादा होगी तो कहेंगे ओ एच माइनस ज़्यादा कंसेंट्रेट फॉर्म में है, यदि एच प्लस की संख्या ज़्यादा होगी तो बोलेंगे कि एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, वही कह रहा है बेसिक सोल्यूशंस आल्सो हैव एच प्लस आयन, बेसिक सोल्यूशन भी एच प्लस आयन को रखता है और साथ में ज़्यादा मात्रा में ओ एच माइनस को रखता है। कैसे, कह रहा है कि बेसिक सोल्यूशन एच प्लस आयन को रखता है, कैसे रखता है, क्योंकि जब किसी सोल्यूशन में हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर ऐड होगा तो एच प्लस भी ऐड होगा, ओ एच माइनस भी ऐड होगा, समझते रहिएगा। ठीक है, तो ओ एच माइनस भी ऐड होता है। आगे कह रहा है दे आर बेसिक नेचर, लेकिन फिर भी उनका नेचर बेसिक होता है, क्यों, क्योंकि उस सोल्यूशन में ओ एच माइनस की संख्या ज़्यादा हो जाती है और एच प्लस की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है
कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन H+ H+ की कंपैरिजन में सोलूशन में यदि OH माइनस की संख्या ज़्यादा होगी तो मीडियम उसका बेसिक होगा और सोलूशन भी कहलाएगा बेसिक। तो इसका भी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर पे है, अंडर व्हाट सॉयल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड स्प्रेड और ट्रीट द सॉयल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम। क्विक लाइम का फार्मूला है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ओके, इसी कहते हैं CaO को कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे और स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी का नाम है स्लैग्ड लाइम। तो कह रहा है स्लैग्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चाक, चाक को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आंसर देखिए, इसका आंसर है क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम और चाक, अल्कलाइन इन नेचर। कह रहा है चाहे क्विक लाइम हो, क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो, स्लैग्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, या चाक हो, चाक मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट हो, इन सभी का नेचर अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब होता है बच्चों बेसिक नेचर में होते हैं सब। आगे कह रहा है दे आर एडेड टू वायल और सॉयल, दे आर एडेड टू द सॉयल, और इनमें जब हम सॉयल को ऐड करते हैं बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा, व्हेन द सॉयल इज हाईली एसिडिक, तब सॉयल हाईली एसिडिक हो जाता है, हेंस इट रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉयल, और लास्ट में हम क्या करते हैं सॉयल की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, उसमें हम लाइमिंग ऑफ सॉयल इज डन। लाइमिंग ऑफ सॉयल इज डन का मतलब सॉयल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में बेसिक कंपोनेंट मिलाते हैं जिससे सॉयल की एसिडिटी लूज हो जाए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आपका है 50 नंबर पे, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, सॉरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 को कहते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बेटा अच्छे सुन लो, CaOCl2 का जो केमिकल नेम होता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कहीं नोट कर लो, नीचे लिखो, नीचे लिखो, मैं बता रहा हूँ नीचे लिखना, ब्लीचिंग देखो मैं बता भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, तो CaOCl2 का केमिकल नेम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, लेकिन CaOCl2 का जो कॉमन नेम होता है इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन में आपसे केमिकल नेम नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है इसका कॉमन नेम बताओ, CaOCl2 का कॉमन नेम, बुलाने वाला नाम। तो CaOCl2 का फार्मूला, CaOCl2 किसका फार्मूला है, तो है फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का। तो नीचे देखेंगे आंसर भी लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो भूलना नहीं आपको बेटा। तो आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो कह रहा है नेम द सब्सटेंस विच आर ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, वह कौन सा सब्सटेंस है जिसका रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराया जाता है और वो प्रोडक्ट देता है ब्लीचिंग पाउडर। तो उस वह कौन सा सब्सटेंस है, वह कौन सा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराने पर ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है। तो उस सब्सटेंस का नाम है बच्चों ड्राई स्लैग्ड लाइम। क्या नाम है, ड्राई स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है स्लैग्ड लाइम का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये फार्मूला है स्लैग्ड लाइम का। तो बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसी को कहते हैं स्लैग्ड लाइम। जब ये पाउडर फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म, या आप कह सकते हो ड्राई फॉर्म। CaOH का होल ट्वाइस ड्राई फॉर्म में है, ड्राई का मतलब पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। तो आप अच्छे से आंसर नोट कर लो, ड्राई स्लैग्ड लाइम और फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर पे है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर।
कह रहा है कि नेम द सोडियम कंपाउंड, उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जिसका यूज वाटर को सॉफ्ट करने में किया जाता है। वह कह रहा है कि वह कौन सा सोडियम से बना कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है वाटर को सॉफ्ट करने में। तो सोडियम से बना कंपाउंड का नाम है वाशिंग सोडा, और इसका एक नाम और है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। और फार्मूला है वाशिंग सोडा का, मैं नोट कर दे रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं मालूम है। Na2SO4.10H2O, ओके .10H2O। तो बच्चों ये फार्मूला है .10H2O, Na2SO4.10H2O, ये फार्मूला है वाशिंग सोडा का। ठीक है बच्चों, वाशिंग सोडा का। इसी का एक नाम और है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। तो कह रहा है कि नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो सोडियम कंपाउंड वह कौन सा सोडियम कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है वाटर को सॉफ्ट करने में। तो आपका आंसर होगा सोडियम कंपाउंड है वाशिंग सोडा, और उसका नेम है सोडियम कार्बोनेट, और फार्मूला है, फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3.10H2O। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है, बोला नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 18 नंबर पे है। व्हाट विल हैपन, क्या होता है जब क्वेश्चन दिया है व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब इफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। कह रहा है क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दिया जाए। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सोडियम कार्बोनेट को यदि हीट कर दिया जाए, सोडियम कार्बोनेट का एक फार्मूला ये भी है बेटा, Na2CO3। कह रहा है जब इसी को हीट कर दिया जाए क्या होगा। जब कभी भी बेटा सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो सबसे पहले बनेगा आपका सोडियम, बनेगा मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो होगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और प्लस CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। कौन गैस लिबरेट होगी? CO2। तो अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, क्या मैं बता रहा हूँ, आंसर है लास्ट का। कह रहा सोडियम कार्बोनेट को हीट करो तो Na2CO3 हीट कर दो, हीट करने पर सोडियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, और देख रहे हैं बैलेंस भी है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो टुडे इज़ इनफ, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को पहले देखें, समझें, दो बार देखें, अच्छे से समझें, तब कॉपी में राइट करें और सारे क्वेश्चन को रटें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।